साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म
ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಾತ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಸರೋಜನ್ನೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ ಉಪಸ್ಥಿತ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವಿ ಸಭಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಥಾಜುಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಮಲೋ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಅಭಿ ಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹುಯೇ ಹೈ ಯೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾ ನಾಮ ಆಲಾರನಾಥ ಕ್ಯಾ ನಾಮ ಹೈ ಸಬ್ ಸುನಾಯಿ ಪಡ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ ಮೃದಂಗ ಕೋ ಯಹಾಂ ರಖ ಲೋ ತೋ ಇಸ್ಕೋ ಉಸ್ಕೋ ಉಪರ ಮೃದಂಗ ಕೋ ಉಪರ ರಖ ಲೋ ಯೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಉಪರ ರಖ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಯೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ಕಹತೆ ಆಲಾರನಾಥ ಧ್ಯಾನ ದೇಖ ರಹೆ ಸುನಾ ಸಬ್ಕೆ ಸಬ್ इसलिए आलारनाथ मतलब होता है ये असली इनका जो नाम है अल्बरनाथ क्या नाम है अल्बर अल्बर उनको कहते हैं अल्बर कहते हैं श्री रामानुज संप्रदाय में जो संत लोग होते हैं उनको कहते हैं अल्बर और ये जो ठाकुर जी को वे लोग पूजा करते थे इसलिए इनका नाम है अल्बरनाथ लेकिन धीरे 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 सब तो बदलते बदलते अभी हो गया आलारनाथ ठाकुर जी का नाम आलारनाथ रख दिए। ये जो ठाकुर जी का दर्शन किया है ये ठाकुर जी को किसने स्थापन किया था बोले ये सत्य युग का ठाकुर है। ये सत्य युग में पितामह ब्रह्मा जी इसी ठाकुर जी को स्थापन किया था इसलिए ये ठाकुर जी को पितामह ब्रह्मा जी ने पूजा करते थे। इसलिए ये जो स्थान है कहते ये जैसे अभी वृंदावन में जैसे हैं जैसे बरसाना बरसाना नाम क्यों पड़ा कहते वो जो पर्वत है आप लोग देखना उसका नाम ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्मा स्वयं वो पर्वत रूप धारण किए हैं वो जो बरसाना ये ब्रह्माचल पर्वत से बरसाना जैसे नंदगांव है ये नंदगांव कौन है बोले श्री नंदीश्वर महादेव है नंदीश्वर कौन है श्री भोले बाबा शंकर जी। इसलिए कहते श्री गिरिराज कौन है ये भगवान कृष्ण स्वयं और ये भगवान विष्णु स्वयं श्री हैं कहते श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए ये स्थान को अभिन्न बरसाना मानी जाती है। यहाँ पर भी राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर भी है। इसलिए ये जो ठाकुर जी का ब्रह्मा जी ने स्थापन किया था लेकिन क्या हुआ ये ठाकुर जी का क्या महिमा है ये ठाकुर जी आप लोग अंदर में जो कौन कौन गए थे अंदर में कौन कौन गए थे हाथ उठा सबके सब हाथ नहीं उठा रहे अंदर में गए थे। अब देखना ये ठाकुर जी का तीन जगह पर फुफला पड़ा हुआ है एक हाथों में एक उनकी होठ में और एक छाती में। बोले फुफला क्यों पड़ा हुआ कहते तभी उनको एकदम गर्म गर्म खीर भोग लगाया है एकदम गर्म खीर भोग लगाया तो ठाकुर जी ने जब उन्होंने हाथ डुबाए और उसे मुंह में लिए और उनका हाथ में अंगुले में फुफला पड़ गई जब मुंह में डाले मुंह में भी फुफला पड़ गया जब वो खीर ठाकुर जी की छाती में गिरे वो छाती में भी फुफला पड़ गया तीन जगह में ये फुफला पड़ा हुआ है हैं। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले श्री सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं। ठाकुर सब कुछ करते हैं ठाकुर सब कुछ करते इसलिए नियम है ठाकुर जी को जैसे गर्मी का समय पर है जैसे गर्मी का समय पर हमको गर्मी चीज अच्छी नहीं लगती ठंडी चीज अच्छी लगती है और ठंडा समय में कौन सा चीज अच्छी लगती है गर्मी चीज अच्छी लगती है। इसलिए ठाकुर जी को भी जैसे एकदम गर्म गर्म कढ़ा से गर्मी का समय पर उठाया और सीधा ठाकुर को भोग लगा दिया नहीं मना की गई थोड़ी सी गर्मी का समय पर थोड़ी सी ठंडा करके ठाकुर को जैसे खिलाओ और ठंडा का समय में थोड़ी सी गर्मी चीज खिलाओ। इसलिए उसमें जो 64 तरह का जो सेवा अपराध बताया 32 तरह का सेवा अपराध में भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए आत्मबद्ध आत्मबद्ध मतलब होता है जैसे हमें भी गर्मी का समय में ठंडा समय में गर्मी चीज और ठाकुर जी को जैसे कपड़ा पहनाएंगे जैसे हम लोग गर्मी का समय में गर्मी का कपड़ा पहनते हैं और ठंडा का समय पर ठंडे कपड़ा पहनते हैं ठाकुर जी को भी ठीक ऐसे ही है। ऐसे नहीं गर्मी का समय है एकदम ठंडा कपड़ा पहना दिया मोटे मोटे कपड़ा पहना दिया है
और खुद ठंडा का समय में ठाकुर गर्मी कपड़ा पहना दिया, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं करनी चाहिए। अपना जैसे ठाकुर जी को सेवा पूजा करनी चाहिए। जैसे कोई फल पहले आता है, सबसे पहले जब कोई फल आता, हम चाहते हैं ना भैया अभी नया सीजन है आम का सीजन, चलो जितने पैसा क्यों नहीं हो भैया एक आम तो खा सकते हैं, कहते उसी तरह नियम है, जब कोई नया फल निकलता है भले ही ज्यादा नहीं हो कम हो, लेकिन वो नया फल क्या करो ठाकुर जी के लिए ला करके ठाकुर जी को खिलाओ, है ठाकुर जी को खिलाओ, ठीक है ना। इसलिए ये नियम है ठाकुर को सेवा पूजा करने का, तो कम कर दे, ये ठाकुर को सेवा पूजा करने का ये नियम बताया गया है। इसलिए ये एक ठाकुर जी। दूसरा है एक समय एक व्यक्ति जो ठाकुर को सेवा पूजा करता था, उनको कोई विशेष काम के लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। जब बाहर जाना पड़ा, इतने में पत्नी को बोल दिया, देखो तो ठाकुर जी को भोग लगा लीजिए, मैं जा रहा हूँ, 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगा। अभी मैया ने बनाया रोटी, तुम लोग तो रोटी खाते हो, इधर चावल खाते हैं, इधर चावल खाते हैं। जितने ठाकुर जगह देखोगे ना, कोई ठाकुर रोटी नहीं खाते। बद्रीनाथ में जाओ, खाओ कोई प्रसाद, वहां दाल चावल खाते हैं, पैर सीधा रखो, इसलिए वहां पर दाल चावल खाते हैं, हैं। अब देखना द्वारका जाओ, जो चार धाम है वहां पर देखो ठाकुर रोटी भोग नहीं लगती, दाल चावल भोग लगता है। जगन्नाथ मंदिर में कल क्या खाए, चावल खाए ना, चावल सब्जी भी खाए। इसलिए जितने बड़े बड़े पुराना स्थान देखेंगे ना, कहीं रोटी कहीं ठाकुर को भोग नहीं लगती, पता नहीं ये रोटी खाने वाले कहाँ से आ गए। इसलिए ठाकुर जी को क्या भोग लगता है, ठाकुर जी को हर जगह पर जितने पुराने पुराने स्थान देखेंगे ना, सब जगह में ठाकुर जी को लगता है चावल दाल सब्जी ये सब भोग लगती है ठाकुर जी को। इसलिए उन्होंने बनाया ठाकुर जी के लिए चावल है दाल सब्जी ठाकुर जी के लिए बनाए, और माता जी बनाई, और जैसे बच्चे को लगे बेटा जा ठाकुर को भोग लगाने जा, वो तो कुछ जानता नहीं है, वो छोटा बच्चा है ना, वो सोचता था जैसे हम भी बैठ कर खाते हैं ठाकुर भी ऐसे बैठ कर खाएंगे। अभी ठाकुर जी को पीढ़ी लगा दिया, सामने पतल धर दिया, तुलसी पत्ता रख दिया, उसमें दाल चावल सभी, बोले ठाकुर जी आओ बैठो और भोजन करो। और छोटा बच्चा बड़े सरल सीधा है, हैं, बड़े सरल सीधा बच्चा, मन का बच्चा, बच्चा का मन साफ सुथरा होता है, लेकिन देखा ठाकुर जी बैठ कर खा नहीं गए। बोले आप तो पिताजी को हाथ में रोज खाते थे खाना, और मेरे हाथ से क्यों नहीं खाना खाते हो। फिर पिताजी नाराज हो, फिर ठाकुर को खाना नहीं खिलाया, फिर ठाकुर जी आओ पीढ़ी लगा दिया बैठो और भोजन करो। तब भी ये ठाकुर जी उत्तर करे खाए नहीं, वो सोच रहा था ठाकुर जी जब खाते हैं ठाकुर भी ऐसे खाएंगे। इतने में तो रोने लग गया, बोले अगर आप नहीं खाना खाओगे तो पिताजी नाराज होएगी, मैया नाराज होएगी, तुम ठीक से ठाकुर जी को भोजन नहीं करवाए। इसकी भक्ति की भावना ठाकुर जी देख करके ना ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। हाँ सचमुच से ठाकुर जी उतरे और बैठे, और उन्होंने जो दाल चावल सब्जी था ना सबके सब ठाकुर जी भोजन कर लिया। जब खाली थाला लेकर आया, मैया ने बोली खाना कहाँ है, प्रसाद कहाँ, बोले ठाकुर जी खा लिए, ठाकुर जी खा लिए। बोले ठाकुर जी कैसे खा लिए, बोला पहले तो ठाकुर जी खाना खाने ही नहीं चाह रहे थे, मैंने जब रोने लग गया प्रार्थना किया, मैया पिताजी नाराज होएंगे, रोज पिताजी के हाथ में खाना खाते थे इसलिए बोला, तो ठाकुर जी बैठे और खाना खा लिया। मैया ने सोचा छोटा बच्चा होगा ठाकुर को भोग लगाया और खुद भोजन कर लिया, हैं, खुद उसने भोजन कर लिया। उसने बोले कोई बात नहीं, बच्चा भोजन कर लिया। दूसरे दिन उन्होंने फिर भी दूसरे दिन बोले ले जाओ ठाकुर को भोग लगा, दूसरे दिन भी भोग लगाया, ठाकुर बैठे और ठाकुर खा लिया। बोले दूसरे दिन भी प्लेट खाली लेकर, बोले प्रसाद कहाँ है, बोले ठाकुर जी खा लिए ना। मैया तो अक्की बक्की चकी होगी, बोले ये क्या, बोले ठाकुर जी खा लिए। तीसरे दिन भेजा, बोले तीसरे दिन भी खा लिए। इतने में उसको मन में तो शंका हो गई, बच्चा एक दिन ही खा सकता, दूसरे तीसरे थोड़ी खाएगा, जरूर कुछ गड़बड़ी है। जब उसका पति 4-5 दिन बाद में आए तब उन्होंने सारी कथा सुनाया, ऐसे ऐसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो कहते ठाकुर जी खाना खा लेते हैं। इतने में बोले ठीक है, इसको परीक्षा करने के लिए बोले देखो तुम आज भी भोग लगा। और उसको पिता जा करके ना ठाकुर के पीछे छुप करके बैठ गए,
क्या सचमुच से ठाकुर खाते हैं? एकदम छुप करके बैठ गए। जब छुप करके बैठ गए बच्चा लिया, बोले ठाकुर जी को भोग लगाया। उड़ीसा भाषा में आशा हला रे खाओ खीरी, हाँ उसमें एक हाँ हाँ बाप जाए विदेश से फेरी ठाकुर ऐसे, मतलब पिताजी बाहर गए हुए, ठाकुर जी आओ और बैठो खीर खाओ। यहाँ खीर भोग का विशेष महत्व है, ठाकुर को जो खीर भोग लगता है ना, इस विशेष महत्व है। आओ बैठो और भोजन करो। सचमुच से जो ठाकुर जी थे ना, हैं वो ठाकुर जी उतर नहीं रहे। बोले रोज तो खाना खाते थे, आज क्यों खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? इतने में ठाकुर जी ने आवाज किया, बोले देख तेरे मन में सरल भावना था, तुम्हारा हृदय साफ सुथरा था, इसलिए मैं बैठ करके भोजन करता था। लेकिन तेरे पीछे, तेरे पिताजी मेरे पीछे बैठे छुप कर भी, हैं तेरे पिताजी मेरे पीछे छुप कर बैठे हुए देखने के लिए, सचमुच से क्या ठाकुर खाते हैं, हैं? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम द्वयम जो मैं भक्त्या प्रच्छति तद अहम भक्त ऊपर हित असनामी प्रजात्मना। भगवान कहते मैं खाता हूं, लेकिन किसकी दिया हुआ चीज खाता हूं? भक्तों का। अगर भक्त अगर निष्कपट रूप में हृदय से अगर मेरे को भोग लगाता है, फिर वो खाना तो मैं ग्रहण करता हूँ, सबका हाथ का खाना मैं नहीं खाता हूँ। हैं इसलिए तेरे पिताजी बैठे हुए हैं, तेरे पिताजी बैठे हुए, इतने में ठाकुर जी संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के बोले कोई बात नहीं, जो ब्राह्मण था ना, हैं जो छुप करके बैठा, बोले तुम बर मांगो हमसे, तुम क्या चाहते हो, बर क्या जाना लेना चाहते हो? तो उन्होंने बोले ठाकुर जी बर क्या चाहेंगे, हम जो खाना आपको भोग लगाते अगर आप खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे? बोले अगर सारे खाना अगर आप खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे, हम क्या बर मांगेंगे आपसे, आप तो सबके सब चट कर लेते हो, हैं सबके सब आप भोजन कर लेते हो। देखो इसलिए आप तो खुद खा लेते हो, इसलिए ठाकुर जी आप मत खाया करो, मत खाया करो, आप खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? ठाकुर जी को तो बड़ा क्रोध आया, ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उपनिषद में बताए ईशावासम विदम सर्पम जब किंचा जगत या जगत तेना तेतन भुंजिता मां कृत कस्य धनम। उपनिषद कहता है क्या करो, नियम है भगवान को सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण करो, अर्पण करो, अर्पण करके ठाकुर जी कृपा करके जो हमें दे देते हैं उसको ग्रहण करके अपना जीविका निर्वाह करो, शास्त्र ये कहता है। लेकिन ये क्या कहता है, अगर आप खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे? भगवान बोले मैं खाने से कम हो जाता है। सुदामा जी ने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी क्या दिया, त्रिभुवन राज्य दे दिया। सुदामा जब वापस आए, सुदामा जब वापस आए ना, देखा सोने के महल, उसकी पत्नी राज रानी बैठ बन करके बैठी हुई। इसलिए हम कहते ना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, जितने ठाकुर को भोग खिलाओगे उतना माँ लक्ष्मी कृपा करती है। इसलिए जो व्यक्ति ठाकुर को भोग लगा कर खाते हैं ना, देखना ठीक ठीक से निष्कपट हृदय से आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ और हृदय से ठाकुर जी को भोग लगाओ, हृदय से आप देखोगे उतना घर में पैसा आएगा, उतना घर में पैसा आएगा। बोले क्यों आई? क्योंकि ठाकुर को सेवा करने वाले कौन? लक्ष्मी। सेवा करने वाले कौन? लक्ष्मी। अगर कोई नारायण की सेवा करे, लक्ष्मी क्या करेगी? छुपा छुपा करके तुम्हारे घर में दे जाएगी, छुपा छुपा करके तुम्हारे घर में दे, लो ये पैसा लो, क्योंकि तुम मेरे प्रभु की सेवा कर रहे हो, तुम मेरे प्रभु की सेवा कर। लक्ष्मी तभी खुश होती है जबकि उनकी ठाकुर जी की सेवा में कोई चीज लगाओ, तब भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप लोगों ने एक नामदेव, एक संत का नाम सुने होंगे ना, एक नामदेव संत थे, हैं ये साउथ इंडिया में हुए हैं। वो पति पत्नी थे, वो पति पत्नी थे, उन्होंने जब ठाकुर को सेवा करते थे, लक्ष्मी नारायण को सेवा करते थे, इनके कष्ट देख करके ठाकुर जी उनके घर में नौकर बन करके आ गए। ठाकुर स्वयं, उनका नाम पड़ गया श्रीखंड, बोले मेरा नाम श्रीखंड है। ठाकुर जी आकर इस घर में लिपा पोता लगाते हैं, ठाकुर जी के लिए पानी ले आते हैं, ठाकुर जी के लिए खाना बनाते हैं, ठाकुर ठाकुर जी के लिए खाना बनाते हैं,
है। एक समय कोई एक भक्त ने ठाकुर जी को राधा कृष्ण की उपासना की, क्या तो महालक्ष्मी अकेले प्रकट हुई, महालक्ष्मी अकेले प्रकट हुई, प्रकट हुई तो बोले पिताजी कहाँ, अब तो मैया अकेले की, प्रभु जी कहाँ गए, बोले प्रभु जी अभी मरते जगत में एक स्त्री नामदेव नाम का जो संत है उनकी घर में, अभी ठाकुर जी उसकी घर में नौकर बन करके सेवा कर रहे हैं, अगर दर्शन करना चाहते तो तुम मरते जगत में जाओ, है नामदेव के घर में जाओ, उनका नाम श्रीखंड है, तेरह साल की है, इसलिए उनका नाम श्रीखंड है जा करके। तब वो आया, आया तो आते ही ठाकुर जी अंदर से आए, बोले हम यहाँ पर कोई श्रीखंड नाम का कोई कोई व्यक्ति है, बोले क्यों, बोले हम उनका दर्शन करना चाहते, बोले किस लिए, बोले मैंने जब लक्ष्मी नारायण की उपासना की, क्या क्यों ठीक से सुनो, बोले किसको पूछे, लक्ष्मी स्वयं स्वयं बोली अगर देखना चाहते हो वहां पर चल जाओ मरते, वो जो एक भक्त था जिन्होंने उनको उपासना की, इसलिए उन्होंने हैं बोले उनको क्यों दर्शन करना चाहते हो, बोले मैंने लक्ष्मी नारायण को पूजा की तो माँ अकेली प्रकट हुई, जब मैंने कहा ठाकुर जी कहाँ हैं, बोले अभी ये मरते जगत में श्री नामदेव का घर में श्रीखंड नाम से स्वयं स्वयं की सेवा पूजा कर रहे, उसके घर में नौकरी कर रहे, इसलिए मैंने श्रीखंड जी को दर्शन करने के लिए आया। ठाकुर जी बोले मेरा पोल तो खुल गया बोल तो खुल गया, मेरे को तो पहचान लिए, अभी और यहाँ नहीं रहेंगे, बस थोड़ी दूर गए ठाकुर जी वैकुंठ, ठाकुर जी वैकुंठ वापस चले गए। इसका मतलब जब हम ठाकुर को निष्कपट होकर के ठाकुर की सेवा पूजा करो ना, भगवान स्वयं आकर के तुम्हारे घर में नौकरी करने लग जाते, नौकरी करने लग जाते, इसलिए उनके हृदय से उनका सेवा पूजा करो। इसलिए देखो जितने कृष्ण, कोई कहते ना भैया कृष्ण भक्ति करो तो रुपया पैसा नहीं आता, बोले नहीं, देखो भागवत में प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जितने सब भक्त सब राजा नहीं, कौन है बोलो जोर से, महाराज सबके सब हैं, सबके सब महाराज हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर भगवान को नाराज, भगवान बोले नियम है मैं जो कुछ दूंगा उससे ग्रहण करोगे, अब तुम कह रहे हो जब आप खा लोगे हैं हम क्या खाएंगे, बोले मैं अभिशाप देता हूं जितने तुम्हारे परिवार के यहाँ पर बहुत उनका जो पूजा सेवा कर रहे थे ना, पूरा के गांव के गांव था, बोले मैं अभिशाप देता हूँ सब के सब तुम लोग मर के खत्म हो जाओ, कोई जिंदा नहीं रहोगे, केवल एक व्यक्ति जिंदा रहेगा, तुम्हारी बेटा जिंदा रहेगा, तेरा बेटा ही जिंदा रह जाएगा, सबके सब मर जाएंगे, सचमुच से पूरा गाँव के गाँव खत्म हो गए, पूरा गांव खत्म हो गया। जब खत्म हो गए फिर राजा ने किया कि फिर पुरी से उन्होंने दो परिवार को बुलाया, हाँ एक परिवार रसोई बनाने के लिए और एक परिवार ठाकुर को पूजा करने के लिए बुलाया, फिर उनका जो परिवार बैठते 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 पंडे अभी देख रहे हो, उनका परिवार बैठते 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 अभी ये लोग पूजा सेवा कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी साक्षात हैं, ये ठाकुर जी साक्षात बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन किसको के लिए करेंगे, भक्त के लिए, हैं भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए ये अभी कहते ये जो ठाकुर जी हैं, कहते जब श्री जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी को अनवसर होता है, अनवसर मतलब क्या, जगन्नाथ जी का 15 दिन तक दर्शन नहीं मिलता, बोले क्यों दर्शन नहीं मिलता, अभी जगन्नाथ जी अभी जो मंदिर है ना उनको द्वारका मानी जाती है और जो गुंडीचा मंदिर वो वृंदावन है, अभी कृष्ण रहते हैं जगन्नाथ जी रहते हैं तो द्वारका में किसको साथ में, लक्ष्मियों को साथ में है, वहां पर 16,108 पटरानियां वहां पर है, लक्ष्मी है, लेकिन रहते हो तो लक्ष्मी को पास में, लेकिन इनके मन में इच्छा होता है साल में एक बार मैं वृंदावन में जाऊं, राधा रानी से मिलूं, ललिता विशाखा से मिलूं, नंद बाबा से मिलूं, मैया जसोदा से मिलूं, इनके मन में बड़ी इच्छा होती है। अब देखना अब उनको साथ में मिलना चाहोगे जिसके हृदय में जितना प्रेम, अगर किसी घर में जाने पर खूब आपको
खूब हमको आदर जतन करी, खूब बढ़िया बढ़िया खाना खिलाई, खूब हमको प्रेम करी। अब क्या मन में क्या होगा, बोले भैया वहां चलो, क्योंकि इज्जत मिलता है, आदर मिलता है, स्नेह मिलता है, सब प्रेम की भूखे हैं। लेकिन प्रेम में सबसे ज्यादा प्रेम किसको अंदर में है, ब्रजवासियों के अंदर में। इनके हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम और किसके हृदय में नहीं। जितना प्रेम श्री राधा जी में, जितना प्रेम गोपियों के अंदर में, नंद बाबा मैया जसोदा अंदर में जितना प्रेम। इसलिए जगन्नाथ जी चाहते साल में एक बार मैं वृंदावन जाऊं, ब्रजवासियों से मिलूं। लेकिन रहते हैं कहाँ, लक्ष्मी के पास में। अगर एक पति का अगर दो पत्नी हो ना, अगर पति बोले मैं उसी पत्नी के पास में जा रहा हूँ, पत्नी क्या बोलेगी, बोले वहीं जाओ वहीं पर रहा करो, यहाँ आने का जरूरत नहीं। फिर रोटी फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, सीधा बात नहीं करेगी, हैं? और पता चलेगा उनको घर में फिर तो उनका खाना पीना खत्म, खाना पीना बंद हो जाएगी, बोले खुद बनाओ खुद खाओ। इसलिए जगन्नाथ जी बहुत डरते हैं लक्ष्मी से, उनको बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए, मैं वृंदावन जाने के लिए, नहीं तो लक्ष्मी खाना पीना बंद कर देगी, लक्ष्मी है खाना पीना बंद कर देगी, इसलिए डरते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ने क्या किया, 15 दिन पहले उन्होंने स्नान यात्रा होता है, जगन्नाथ जी को खूब स्नान कराते पानियों में। स्नान करने पर जगन्नाथ जी वो बुखार का बहाना बना देते, भैया मेरे को बुखार हो गया। 15 दिन तक लक्ष्मी को साथ में रहते हैं, हैं? लक्ष्मी को साथ में रह करके उसको समझाते देखो है, और बुखार का बहाना बना देते। चावल के नहीं खाते, रोटी चावल नहीं खाते हैं, जैसे बुखार होने पर जैसे हम लोग दवा लेते हैं, कोई दालियां लेते हैं, फल खाते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने 15 दिन तक खाते हैं। और लक्ष्मी को है, लक्ष्मी को मनाते रहती हैं। जैसे यहाँ पर कोई पत्नियां जो आई होगी यहाँ पर, अगले अगले पत्नी, अब देखना पति को कितना दिन से मनाते होगी, मनाए ना पति को, बोलती होगी हम जगन्नाथपुरी जाऊंगी, नवद्वीप भी जाऊंगी, मेरे को आदेश दे तो जाऊंगी, हाँ पता टेढ़ी मुंह करके जगह मना कर दिया तो फिर खाना बना बंद कर देगी। इसलिए कितने मना मना करके फिर आए होंगे, आते ऐसे होता कि नहीं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी लक्ष्मी को मनाती हैं, तो देख लक्ष्मी मेरे को 2-4 दिन के लिए छोड़ दो, 2-4 दिन के लिए छोड़ दो, एक बार वृंदावन में जाऊं और गोपियों से मिल करके, राधा रानी से मिल करके आऊं। 15 दिन तक उसको सर पर हाथ घुमाते हैं, उसको मनाते हैं, मनाते मनाते 15 दिन में लक्ष्मी मानती हैं, बोले ठीक है जाओ। कितना दिन के लिए जाओगे, बोले जाऊंगा 1 दिन के लिए जाऊंगा, 2 दिन मिल करके 3 दिन आ जाऊंगा, हाँ ब्रज में भी सी परसों के स्थान है, परसों आ जाऊंगा। लेकिन जगन्नाथ जी तक गए हैं, जगन्नाथ जी गए और गए तो 15 दिन बाद में आए जगन्नाथ जी, और 5 दिन के बाद में जब जगन्नाथ नहीं आई, लक्ष्मी को इतने क्रोध आई, बोले 2 दिन ही बोल करके इतना दिन हो गया, लाख होता भरे गए, उनका पहिया तोड़ देती हैं, हैं भैया पहिया जाकर तोड़ देती हैं, और वहां जाकर बैठ जाती हैं, बोले इनको पकड़ पकड़ ले आओ सब गोपियों को, हमारे पति को है ये 2 दिन ही बोल कर 5 दिन ही हो गया। फिर वहां पर फिर गोपियां आकर के माफी मांगती हैं, बोले नहीं जल्दी जल्दी हम ठाकुर जी को छोड़ देंगे। लेकिन जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद में जब आते हैं ना, जब अंदर में घुसते हैं, लक्ष्मी को जब पता चला जगन्नाथ जी आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर देते, बोले देखो घुसने नहीं दिया अंदर में, घर में घुसने नहीं दिया। लेकिन पहले बलदेव प्रभु आते, बोले कौन आ रहे हैं, वहां पर लक्ष्मी रहती है, बोले कौन, बोले तुम्हारी जेठ आ रहे हैं, तुम्हारी जेठ, बोले जेठ के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दरवाजा खोल दो। बोले उसके बाद में सुभद्रा आती है, बोले कौन आती है, बोले तुम्हारी ननद आ रही है। अब पता होगा ननद कितना तेज है, तेज है ना, इसलिए बोले ननद के लिए कोई लड़ाई नहीं, इसको खोल दो। बोले कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी खसम आ रहा है, तुम्हारी पतिदेव आ रहे हैं, बोले दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद, इनको घुसने मत दिया करो। लक्ष्मी प्रश्न करती है कितना दिन हो गया, कितना दिन के लिए गए थे, 2 दिन हो गया, इतना दिन तक क्या करते थे। लेकिन जो जगन्नाथ है ना, वो कृष्ण बड़े नटखट हैं, और कृष्ण ऐसे नहीं बात घुमाने में पक्के हैं, हैं जो गोपियों की जो मान मनाने वाले लक्ष्मी को चुटकी बजाते ही मना देते हैं। उनको पता है पत्नी को खुश करना तो 3 चीज से खुश कर सकते हो। जगन्नाथ जी बहाना बनाते, बोले मैं क्या करूं, जब मैं विदेश गया हूं तेरे लिए कुछ लाए बगैर खाली हाथ से कैसे आऊं, तेरे लिए तो कुछ लेकर के आऊंगा ना। बोले उनको पता करो स्त्रियों को खुश करना तो कैसे, बोले क्या तुमने किया, बोले तुम्हारे लिए ना तुमको तुम्हारी लाएगी जो साड़ी, नील रंग का साड़ी, सोने में जड़े हुए साड़ी को मैंने अर्घ दिया था,
और तुम जो लायकी करते ना, जो गहना है, जो तुम्हारी सर से लेकर प्यार तक, नुकुर नाक की नथनी, सर के पहले एकदम प्योर सोना के मैंने उसको ऑर्डर दिया था, अगर वो देने में लेट कर देगा तो मैं क्या करूं? कहते वो देने में लेट कर देगा तो मैं क्या करूं? वो देने में लेट कर दिया, मैं तो दो दिन बाद में आ रहा था। अरे खाली हाथ से आता तो कैसे तेरे को मुंह कैसे दिखाता? तेरे लिए तो कुछ इतना बोलते ही ना लक्ष्मी का थोड़ा मान नीचे हो गया। बोले गए तो मेरे को याद किया, बोले कैसी साड़ी? बोले बहुत बढ़िया साड़ी, तू जो लायकी करती है ना वो साड़ी लाया हूँ। बोले और क्या लाया हूँ तेरे को पता? बोले स्पेशल रसगुल्ला, ऑर्डर दे करके स्पेशल रसगुल्ला लाया। बस इतना बोलते ही लक्ष्मी का मुंह में पानी आ जाती। बोले गए तो गए, लेकिन मेरे लायक साड़ी और गहना लेकर के आए और रसगुल्ला भी लाए। जब इतना बोले ना लक्ष्मी, बोले ठीक है दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दो। फिर दरवाजा जो खोले, फिर लक्ष्मी भगवान का आरती उतार करके अंदर में ले जाती। ये सब लीलापुरी में होती है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जब श्री जगन्नाथ जी 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं, महाप्रभु क्या कर सकते? 15 दिन तक यही आ जाते। और वहां पर जो पत्थर देखा ना, वहां पत्थर देखा ना, महाप्रभु उसके ऊपर लेटते थे। और कृष्ण विरह में राधा रानी, महाप्रभु कौन है? राधा, राधा जी की भाव अंग गांधी लेकर के आए। कृष्ण विरह में, कृष्ण गए तो गए, अभी तक आए नहीं है। वो टेढ़े हैं, वो छाल है, वो कपट है, वो काले हैं, बाहर काले भीतर काले, इसलिए अभी तक नहीं आए। इसी विरह में महाप्रभु पत्थर के ऊपर में उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं विरह में। ऐसे करते 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 जो पत्थर था ना वो एकदम पिघल गया। जो पत्थर देखा है ना, महाप्रभु का सर का चिन्ह, हाथ का चिन्ह, प्यार का चिन्ह, पूरा के पूरा उसके ऊपर में वो चिन्ह दाग पूरा के पूरा उसमें आ गया है। इसलिए हमारे श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर कीर्तन करते हैं, बोले परमा करुणा ओह दोई जना निताई गौर चंद्र तारा सब अवतार सार शिरो मणि केवल आनंद कंद देख देकर भाई त्रिभुवने नाय हे मन दयाल दाता पशु पाखी झुरे पासना भी दरे सुनी जा रघुन गाथा परमा करुणा ओह दुई जना निताई गौर चंद्र। इसमें श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं भगवान की जो लीला, जो कथाएं, बोले पशु पाखी जुरे पाषाण बिदरे सुनी चार गुण गाथा। जिनके गुणगान सुन करके क्या होता है, पशु पक्षी भी रोने लग जाते हैं, पत्थर भी द्रवीभूत हो जाती हैं, हैं? इसे यमुना उल्टी बहने लग जाती है पानी, और वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाता है, मेघ ऊपर से छा जाती है, गैया घास खाना भूल जाती है। ऐसे उनकी प्रेम की, इनके ऐसे प्रेम की कथाएं। इसलिए महाप्रभु प्रेम से पूरा जो स्थान देखा हुआ पूरा दाग पड़ा हुआ। कहते अभी प्रश्न यहाँ पर आता है, वो ठाकुर जी चतुर्भुज देखना, चार हाथ है, हैं? इनका चार हाथ है। बोले ये तो महाप्रभु तो राधा जी की भाव में विभावित है। जब राधा जी की भाव में विभावित है, ठाकुर इनको क्यों दर्शन करनाएंगे? वो तो कृष्ण दर्शन करने के लिए जाएगी, हैं? फिर ये ठाकुर को दर्शन करने क्यों आएगी? बोले ये जो ठाकुर है ना वो देखने के लिए चार ही हाथ है, लेकिन चार ही हाथ वाले नहीं, वो तो मुरली बजाने वाले, बंसुरी बजाने वाले, ये जनार्दन है, ये ठाकुर जी जनार्दन है, हैं? कहते ये लीला गुरु जी सुनाया करते थे, जब रासलीला हो रही थी, रासलीला करते करते कृष्ण गोपियों को छकाने के लिए कृष्ण अंतर ध्यान हुए, और अंतर ध्यान होकर के थोड़ी दूर में गए और कृष्ण चतुर्भुज बनकर बैठी है। बोले गोपियों को छकाऊंगा राधा रानी को। इतने में गोपियां ढूंढते ढूंढते आए, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। जब गोपियां आई ना, पूछे उनको, बोले हमारे कृष्ण को कहीं देखे हो? वो कुछ बोले ही नहीं, वो चले गए। लेकिन जब श्री राधा रानी आई, हैं? जब श्री राधा रानी आई, राधा रानी के प्रेम की ऐसे महिमा, राधा रानी के प्रेम की ऐसे महिमा, राधा जी के प्रेम की। राधा रानी आते ही केवल राधा जी की शरीर की सुगंध, हैं?
गंधर्व उन्माजिता उनका एक नाम है। राधा रानी के शरीर से इतने सुंदर खुशबू निकलती है जो चारी तरफ को एकदम खुशबू खुशबू कर देती है। केवल राधा रानी के शरीर की खुशबू मिलते ही कृष्ण रह नहीं सके, उनको दो हाथ अपने आप अंदर में प्रवेश कर गया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया बैठा। क्या नाम है? बैठा, मतलब दो हाथ अंदर में प्रवेश कर गया। इसलिए ये जो ठाकुर जी देखने के लिए दो चार हाथ लगते हैं, लेकिन चार हाथ नहीं, ये दो हाथ बंसुरी बजाने वाले हैं, लेकिन गोपियों को छकाने के लिए रूप धारण किए हैं। इसलिए महाप्रभु जब यहाँ पर आते थे, जब ये ठाकुर को दर्शन करते थे, कृष्ण रूप में दर्शन करते थे, हैं इनको कृष्ण रूप में दर्शन करते थे। इसलिए ये स्थान को अभिरना पैठा, पैठा कहाँ पर? गिरिराज गोवर्धन का तलेटी में है, गिरिराज गोवर्धन के तलेटी में। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु आकर के राधा रानी की भाव में विभावित होकर के कृष्ण प्रेम में वो पत्थर द्रवीभूत हो गए। महाप्रभु यहाँ पर 15 दिन महाप्रभु यहीं पर रहते थे। इसलिए श्री प्रभु का उन्होंने क्या किया, उसे स्मृति की उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर उन्होंने ये गौड़ीय मठ बनाया है। ये गौड़ीय मठ प्रभुपाद ने बनाए और ठाकुर जी को उन्होंने स्थापन किया। और मंदिर में वहां पर एक छोटे से विग्रह जो अलारनाथ अंदर में देखा है ना, इनका ये प्रतिभु विग्रह वही विग्रह है। वो किसी भक्तों के घर में था, तब ये ठाकुर जी स्वप्न दिया हाँ उनको, बोले देखो यहाँ पर एक गौड़ीय मठ है, यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है, तू ले करके मेरे को वो मंदिर में देख करके आओ, वो मंदिर में देख करके आओ। फिर उन्होंने वो ठाकुर जी को लाए और इसी मंदिर में दिया। अब इसी मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पूजा इसी मंदिर में हो रही है। इसलिए इसी दृष्टिकोण से महाप्रभु बहुत बार आए। जब दक्षिण यात्रा कर रहे थे महाप्रभु उसी समय यहीं पर आए। महाप्रभु बड़े सुंदर थे देखने में, हाँ लंबे हाथ गौर वर्ण के। जब श्री महाप्रभु को जब एक बार कोई दर्शन करता था पागल हो जाते थे। महाप्रभु को दर्शन करने के लिए गांव के गांव लोग उमड़ पड़े हैं। एक बहुत सुंदर के सन्यासी आया है, इतने लोग का भीड़ हो गया, लास्ट में महाप्रभु के घर में बंद करना पड़ा, इतने भीड़ हो गया। फिर कुछ देर बाद में बोले देखो खोल दो, भक्त लोग आए हैं महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। और उन्होंने खोला, फिर महाप्रभु को दर्शन किए। इसलिए महाप्रभु बहुत बार यहाँ पर आए। इसलिए इसी दृष्टिकोण से ये स्थान बड़ा पवित्र। और सत्य युग में जो ठाकुर जी, ये सत्य युग का ये ठाकुर जी है, इसको पितामह ब्रह्मा जी ने ये ठाकुर जी को अपना हाथों से इन्होंने स्थापन किया था। बोले श्री अलारनाथ की, बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, सपरिकर प्रभुपाद की, दिताई गौर प्रेमानंदे। इसके बाद में अभी यहाँ पर थोड़ा प्रसाद